ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले आज अंबाला छावनी में दुकानदारों ने सरकार द्वारा लगाए गए वीकेंड लॉकडाउन पर चर्चा की, जिसमें दुकानदारों ने प्रशासन से ये मांग की है कि अंबाला की वर्षों पुरानी चली आ रही प्रथा को भी भविष्य में जारी रखा जाए और वीकेंड लॉकडाउन की जगह छावनी के बाजारों को सिर्फ सोमवार के दिन ही बंद रखा जाए। एसोसिएशन के प्रधान विकास सिंगला ने प्रशासन से मांग की है कि अगर दुकानदार प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं तो प्रशासन को भी दुकानदारों की तरफ देखना चाहिए और उनकी मांग को लागू करना चाहिए। आजाद टीवी न्यूज के लिए अंबाला से कैमरामैन अभिषेक सूद के साथ हरजीत सिंह की रिपोर्ट। विकास जी, आज सभी दुकानदारों के साथ आपने मीटिंग की है, क्या डिमांड है प्रशासन से और जो शनिवार संडे बंद किया उसमें से आप क्या चाहते हैं? आज ट्रेडर वेलफेयर सोसाइटी अंबाला की सभी एजेटी मेंबर में से कुछ एक को छोड़ के मीटिंग हुई है, तो इसके अंदर इन लोगों ने यही एक डिमांड रखी है कि जो बंद है वो सोमवार को किया जाए और ये हमारे लिए आवश्यक भी है, इतना ही हमारे लिए कि ये सफिशेंट है, इतने से हमारा काम चल जाता है और अब हमें इतनी दूरी से मतलब की बात नहीं बनती हमारी कि हम रोज ही बंद करें और प्रशासन हर रोज ही एक नया इम्प्लीमेंट कर देता है कि आज ये बंद है और आज खुला है जी, तो इससे हमारा व्यापार बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। उससे कस्टमर आता है बाजार से खाली चला जाता है, उससे एक गलत मैसेज आ रहा है। प्रशासन को इसके लिए एक सिस्टम बनाना चाहिए कि आज ये बंद है और ये खुला है। इसके अंदर कई बातें ये भी आ रही हैं कि इनसेंशियल और अनइसेंशियल भी चीज़ें आ रही हैं, तो ये एक क्लैरिफाई नहीं कर पा रहा है प्रशासन हमारे से, तो हमें इसके लिए जल्दी से जल्दी वो सूचित करें ताकि हम इसको इम्प्लीमेंट करा सकें। कोरोना अभी बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, हम मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन अब हमें से डरना नहीं है, अब हमें से भगाना है। ये सभी लोग बोल रहे हैं कि इसके साथ जीना पड़ेगा, तो अब हम इसको सोशल डिस्टेंसिंग में कर रहे हैं और हमारी दुकानदार भाइयों ने आज एक डिसीजन लिया है कि हम कस्टमर को दूरी बनाकर सामान देंगे और एक गोल धारा लगाकर सामान देंगे। हमारी बार बार प्रशासन से यही अपील है कि हम प्रशासन के साथ हैं, लेकिन प्रशासन भी दुकानदार भाइयों का साथ देंगे।